تلعبي ألعاب؟ لك شو؟ ألا؟ لا ألا؟ طلع مع ألا ولا كلمة ألا؟ तुर्की और सीरिया में आए भूकंप ने सबको हिला कर रखा है। तरह तरह की भयावह तस्वीरें सामने आ रही है और मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। इन्हें दिल दहला देने वाली तस्वीरों में से एक भाई बहन का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें एक 7 साल की बेटी अपने छोटे भाई के सर पर हाथ रखकर उसकी हिफाजत कर रही है और एक बहुत बड़े मलबे के नीचे 17 घंटों से सहमे हुए एक एक पल को काट रही थी। इंटरनेट पर इस वीडियो को देखकर लोग दोनों भाई बहन के प्यार के रिश्ते की खूब तारीफ कर रहे हैं। गौर रहे कि खबर लिखे जाने तक तुर्की और सीरिया में भूकंप के कारण मरने वालों का आंकड़ा 8,000 के करीब है, तो वहीं 43,000 के आसपास लोग घायल भी हो चुके हैं और आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। بألعاب لك شو ألا لا ألا طلع مع ألا ولا كلمة عرفت تلعب ألعاب لك شو ألا لا ألا طلع مع ألا ولا كلمة ألا أحسن منك طب إذا جبت شو طالع لك تلعبي ألعاب لك شو ألا لا ألا طلع مع ألا ولا كلمة ألا तुर्की और सीरिया में आए भूकंप ने सबको हिला कर रखा है। तरह तरह की भयावह तस्वीरें सामने आ रही है और मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। इन्हें दिल दहला देने वाली तस्वीरों में से एक भाई बहन का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें एक 7 साल की बेटी अपने छोटे भाई के सर पर हाथ रखकर उसकी हिफाजत कर रही है और एक बहुत बड़े मलबे के नीचे 17 घंटों से सहमे हुए एक एक पल को काट रही थी। इंटरनेट पर इस वीडियो को देखकर लोग दोनों भाई बहन के प्यार के रिश्ते की खूब तारीफ कर रहे हैं। गौर रहे कि खबर लिखे जाने तक तुर्की और सीरिया में भूकंप के कारण मरने वालों का आंकड़ा 8,000 के करीब है, तो वहीं 43,000 के आसपास लोग घायल भी हो चुके हैं और आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ألعاب لك شو